वोट किसने दोगे? महाराज जजी करे है वोट की जगह हमारा लठ। दस साल लोकदल ने भी राज किया है, 10 साल कांग्रेस पार्टी ने भी पिछड़ा राज किया, और 10 साल जो है बीजेपी ने भी राज किया, तो विकास किसने किया है? तो विकास है मैडम, जो हो लिया पहले हो लिया, अपन थोड़ा बहुत जो होना था टीप तो ऐसा काम हो रहा है। 27 बालक मैं बताता हूँ आपको, जब हम 6 साल कॉन्ट्रैक्ट पर जो नौकरी करी हमने, नौकरी करने के बाद कौशल योजना चालू कर दी थी। किस राज की बात कर रहे हो आप? ये 2022 में कौशल योजना चालू करी थी बीजेपी सरकार ने, उसमें लगा गए 1 मार्च 31 को निकाल दिए थे 27 बालक बड़े थे कौशल वाले। हाँ जी, आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा, मैं उमेनका देसवाल। भाई हरियाणा में की तारीख फिक्स हो चुकी है, तारीख तय हो चुकी है, अभी 1 तारीख को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे और 4 तारीख को नतीजे आ लेंगे। भाई इस बार कुर्सी पर मुख्यमंत्री की पे कौन बैठागा, किस पार्टी से बैठागा? बीजेपी दोबारा तीसरी बार सत्ता में आवेगी, या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनावेगी, या फिर जेजेपी अपनी चाबी फिर तलावेगी, या फिर लोकदल अहम भूमिका निभावेगी, या आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी पकड़ बनाएगी, वो तो देखो देखने वाली बात है। लेकिन लोगों की क्या राय है वो उनसे ही जानेंगे। राम राम अंकल जी, 1 तारीख ने हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव है, इस बार किसकी पार्टी बनते देख रहे हो? बीजेपी बनेगी। किसी के खास बात, लोग तो खिलाफ हो रहे हैं बीजेपी का, खिलाफ हो रहे हैं वो बनने हैं। अच्छा, बीजेपी बनेगी। और रोहतक में अरे दिया आपने अरविंद शर्मा रोहतक का जो गवर्नमेंट है, भूपेंद्र हुड्डा वो आ रहेगा। दीपेंद्र तो 3.5 लाख वोटों से जीत गया, बड़ा था वो, जिता दिया आ रहेगा इस बार आएगा। हाँ, क्या खास बात है? सी सारी जमीन खा गया मारी ने, 8-10 गांव मांगी ने, बेच के खा गया। और क्या तो रोहतक में हारन लग रहा है फिर भूपेंद्र हुड्डा? 100% तो किलो ही हल्का तारा हो गया रोहतक में जो हरावांगे, और रोहतक वाले जो सारी सीट है उससे भी हारेगा कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा। ये तो करे बोले कांग्रेस वाला हारेगा, बोले बीजेपी बनेगी रोहतक का, किलो ही तो रोहतक वाले जीत, तो वो चीज मायने नहीं रखती जी। एक रोजगार और विकास मायने रखता है। अच्छा जी, तो विकास किसी भी चीज का है, ये नहीं है कोई कैंडिडेट बीजेपी का है या फिर कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का, किसी भी चीज का हो, ठीक है, विकास होना चाहिए, गांव का विकास हो, शहर में नए बाकी नौकरी। 10 साल लोकदल ने भी राज किया है, 10 साल कांग्रेस पार्टी ने भी पिछड़ा राज किया, और 10 साल जो है बीजेपी ने भी राज किया, तो विकास किसने किया है? विकास है मैडम, जो हो लिया पहले हो लिया, उसमें लगा गए 1 मार्च 31 को निकाल दिए थे 27 बालकम बड़े थे कौशल वाले। हाँ जी, रोजगार दे दिया, रोजगार छीन लिया, 31 ने रिलीव कर दिए थे, कह दीदी और कितना नंबर पड़ जाएगा। अच्छा। उसके बाद 6 बार फार्म भर लिया, वेरीफाई हो लिया, जॉब नहीं दे रहे पहले। अच्छा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वोट दोगे? वोट किसने दोगे? महाराज शाजी करे है वोट की जगह हमारा लठ। हाँ सच्चा हकीकत बात यह है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ने दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, और वो तो बालक पालनी है तो वो तो करनी पड़ेगी। कई लोग यूँ कह रहे कि लोकसभा में जो विरोध हो रहा था, आज तक चंडीगढ़ सुनो तो, कई लोग ये कह रहे कि लोकसभा में जो विरोध हो रहा था वो बोले कांग्रेस पार्टी के साथ ही साजिश थी। देखो आम किसे सरकार तो वो आपत्ति नहीं है, हमने तो बेरा की आपत्ति है, रोजगार दो, रोजगार दो अच्छी बात है, आदमी की छवि होनी चाहिए। ये नहीं है कि कांग्रेस का है, कांग्रेस का या बीजेपी का है, इस चीज का कोई मायने नहीं है, आदमी की छवि आदमी है, वो चीज हम नहीं कर रहे। पार्टी ना वोट है या चेहरा ना वोट? चेहरे ना वोट है। तो किसका दबदबा है रोहतक वाली सीट पर? ये तो जैकेट ना मिली है, तो उम्मीद किसकी मिलन की है? देखो बीजेपी तक, मेरी बात सुनो, हमारी सोच यह है टिकट बीजेपी का है, नंदर साहब ने मिल गई तो नंदर साहब का है दबदबा इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में है दबदबा तो है, काम कर देगा उम्मीद है, काम है यू कर सका, और आपको कोई विश्वास नहीं। हम यहाँ से बत्रा साहब भी है शायद कांग्रेस के, उन्होंने कैसा काम किया? देखो आपने उन तक कोई संपर्क नहीं, ना अपना किसी से कोई काम तो किया होगा रोहतक में, उन्होंने 5 साल में नहीं किया कोई काम। काम का दिशा है मैडम, हमने तो कितना काम हो दिखते नहीं, 1% के काम नहीं। हाँ हमने तो अनुमाना, हाँ जो नए बालक है ना उन रोजगार मिल जाए, उनका परिवार चल जाए। अब तो सरकार कह रही है कि वैकेंसी निकाल लेंगे फिर। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मैं किसी सरकार पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं ये दे सकता हूँ 2000 मार्च में अम्बाड़ा से 27 बालक निकाले गए थे, 27 बालक निकाले गए थे। बीजेपी
खर्ची पर्ची बहुत सारी नौकरियां दी हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे। देखो मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, 2022 में 27 बालक हम निकाले गए थे, हम बैठे। अरे कहो तो मैं फोटो दिखा दूंगा। अपना रोना नहीं रोता, 27 बालक और है मेरे शेनारे। मेरा तो मैं तो अपना खुद का काम है मेरा, मैं भूखा थोड़ा मरू। मेरा तो इशा है नंदल साहब के भी हार्ड वाटर कूलर करके गया दम। मेरा तो काम ही शाह है, मैं फील्ड का सारे तो पार्टी ना बढ़िया मान लो आम तो नु कहां पार्टी आ जाओ। कौन सा आदमी की छवि बढ़िया होनी चाहिए, आदमी काम करने वाला होना चाहिए, आदमी काम करने वाला चेहरा जो उसमें बीजेपी हो सर के कांग्रेस हो की आम आदमी पार्टी हो कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी 45 रैलियां धड़ाधड़ कर गई तो कुछ वोट काट सका है या अपनी सरकार ले सका है, सीट निकाल सका आम आदमी पार्टी। ये वो आगे लगी छवि के ऊपर मैडम, आपने क्या लगा है भाई कोई रोल प्ले कर सका है विधानसभा चुनावों में? मैडम हमने तो इशा लगा है कि जो बढ़िया काम करेगा उसमें कुर्सी सरकार ले लो, जो अच्छे काम करेगा पर्सनली काम मत करो। हमारी तो गुजारिश किया है वोट तो आओ, पानी तो नष्ट है केजरीवाल, वोट क्यों कौन देगा? आप तो सुनीता केजरीवाल ये कह रही है कि मैं आपके बहू हरियाणा की कुछ ना, केजरीवाल बकवास है तो कोई का पानी ना दो, पानी ना दे वोट कौन देगा? तो देख सोता हूं का तो ये कहना है बोला काम करेंगे तो वोट है, नहीं तो वोट को नहीं। बोला केजरीवाल पानी देते होने तो ये कह दे कि नहीं आ सकता और वोट मांगने हरियाणा में। सुनीता केजरीवाल ये कह रही है अंकल जी मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे को कुर्सी पर बैठाओ, हमने बड़ी बढ़िया सरकार जो है दिल्ली में चलाई है और पंजाब में भी चला रहे हैं, केला का हरियाणा में भी आम आदमी कुछ वोट तो आ सकते हो गए 10% वोट लेके के पता 10% निकाल सका है रो भी कितने कितने तो काट देगा यार। तो दबा दे इतना दस है भाई, इतना है वोट काट सका है कांग्रेस बीजेपी के? हाँ काटेगा, काटेगा वोट हाँ। और जेजेपी पार्टी ने किया देखो, जेजेपी का तो ताला बंद, 10 सीट लेके गई थी जेजेपी का, तो अपनी चाबी खुदे का ताला कर लगा ली। अबे लेके उनकी चाबी ले ले, अबे चौटाला तो देवीलाल का पोता है, बहुत बढ़िया पार्टी देवीलाल ने चलाई, लोक दल और उससे पहले जनता पार्टी थी क्या थी देखो आपने पता होगा, जनता दल था शायद। तो ये लगा कि मैं दमखम है अबे वह है तो फिर सीट ऐसा है अबे चौटाला की 10-12 सीट ले जाएंगी तो बीजेपी कितना सीट निकाल सके? बीजेपी भी अपनी सरकार बढ़ाओगी, कांग्रेस भी बढ़ाओगी, तीनों कुकर बना देंगे सरकार। और ये तो दोनों एंटी है, ये कैसे मिलकर बनाएंगे कांग्रेस तो प्रदूषण फिर का ताला बंद है उसका ना हो एक भी, तो अबे चौटाला दे सकते समर्थन बीजेपी को? ये मेरा पत्ता ही लगा ये देश में पका गए एक जगह पार है। तो मतलब आपने विश्वास है नहीं कौन सी पार्टी किस गला गठजोड़ कर जाए। हाँ जी नमस्कार सर, कुछ नौजवान दिख रहे हो मेरे को और क्या लगा किसकी सरकार आवेगी? विधानसभा के चुनाव घोषणा हो चुकी है, 1 तारीख को मतदान है, 4 को रिजल्ट है। सुनने में तो ये मैडम 1 तारीख को है, लेकिन वही बात है सुबह निकला अपना ड्यूटी वैसा ने आवा तो इस चीज के बारे में थोड़ी हुए है। अब तो वो है इलेक्शन ही बता हुआ कौन सी पार्टी जीती है, इलेक्शन जल्द नहीं होगा कुछ, ये चीज तो है ही कि एकदम ही मतलब कि कल तैयारी कर रही है ज्यादा तैयारी कौन सी पार्टी मैडम, किसी का भी कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी कर रही है कौन सी